आहूजा जी ने अपने पसीने और परिश्रम से इस क्षेत्र को सींचा, हिंदुत्व के लिए राष्ट्रवाद की लड़ाई उन्होंने लड़ी। वहीं सानिया हॉस्पिटल के सामने प्रमोद विजय ने अपने समर्थकों के साथ परिवर्तन यात्रा का स्वागत करते हुए अपनी दावेदारी भी जताई। और मेरा एक संकल्प है कि जो लोग, मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो लोग अलवर की जनता के बीच नहीं जा सके, उनको बड़े बड़े होल्डिंग लगाने पड़ रहे हैं, जो जनता की सेवा करने के चूक गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैं अलवर वासियों को बताऊँगा कि पावर क्या होती है, पावर से कैसे जनता का भला होता है, हम जनता का कैसे भला करेंगे। और मेरा दृढ़ संकल्प है और मैं आपके चैनल से फिर रूबरू हूँ कि हर घर में जब तक जल नहीं आएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। काम के 100% साहब, ये बहुत बहुत मेहनती आदमी हैं और अलवर शहर के जड़ों से जुड़े हुए हैं। और अभी जो शिव महापुराण हुई थी उसमें एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल, तो उसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं कि अलवर में जो सबसे बड़ी समस्या पानी की है, ये उसको निवारण करने के लिए सबसे प्रथम काम ये करेंगे। प्रमोद जी, विजय जी बहुत बढ़िया आदमी हैं अलवर के कार्यकर्ता के लिए। मैं अगर इनको भगवान की दया से टिकट मिल जाती है तो ये अलवर का विकास करेंगे और हमारे जो पानी की सुविधा है वो पूरी करते हैं। इनका हम पूरी उम्मीद लगा रहे हैं और इनका जल का पूरा इनका अधिवेशन है कि हर घर में जल पहुंचाएंगे। इन्हें प्रेम भावना बहुत है जी। ये हम लोगों को, जब से हम कार्यकर्ता बने इनके साथ में, ये हम लोगों से इस तरीके से बात करते ताकि हमारे पिता बने वाले जी। तो इनके प्रेम भावना बहुत अच्छी है। सारे शिव पुराण वाले कार्यकर्ता हम चाहते हैं भैया, हम इनको टिकट मिलना चाहिए। ये इतने दयालु, इतने कृपालु कि मैं बिल्कुल जैसे शिव भोले है ना, उनका रूप है। क्या कहना चाहेंगे भोले भंडारी? मैं तो ये कहना चाहूंगी बहुत कर्तव्यनिष्ठ, समय समय पे काम आने वाले, सुख दुख में साथ देने वाले और सब सबकी इच्छाओं को सुनने वाले। धार्मिक तो हर कोई होता है लेकिन ऐसा सुख दुख में सबके काम आए, और भाई बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, समाज के लिए, ये नहीं कि अपने समाज के लिए ही करते हो, सारे समाज इक्वल है इनके लिए।